बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद वेस कनी, आई वे जे एस टी एच एम एन यू एस ई टीचर ऑल यू मिनाए। सो आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू प्रिपरेटरी क्लासेस ऑफ इंग्लिश फॉर ऑल टेस्ट। सो द टॉपिक ऑफ टुडे इज टाइप्स ऑफ सेंटेंस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। एज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड टाइप्स ऑफ सेंटेंस बेस्ड ऑन मीनिंग, सो टुडे द टॉपिक विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। आई वॉन्ट टू गेट द अटेंशन ऑफ ऑल ऑफ यू, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Before learning the types of sentence, we should have a concept of independent and dependent clause. जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, what is the difference between phrase and clause? So I want to repeat this concept that you should have a basic concept and we will learn more accurately. So phrase or clause के अंदर difference क्या होता है? Phrase basically a group of words which do not have a subject and verb combination. ठीक है जी, phrase एक ऐसा group of words जिसके अंदर आपके पास subject और verb का combination नहीं होता, उसे हम phrase कहते हैं। Just like I am going to school, so to school यहाँ पर एक फ्रेज है। इसी तरह ही ऑफ द क्लास, ऑफ द क्लास क्या है? फ्रेज है, जैसा कि हमने पहले भी पिछली वीडियोस में इसको अच्छी तरह स्टडी किया है। अब हम बढ़ते हैं क्लास की तरफ। सो व्हाट इज क्लास? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। मिसाल के तौर पे ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है। आई राइट, आई स्पीक, I talk, I eat, ये सारे क्या हैं? सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशंस हैं। तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन, देन वी कैन कॉल इट क्लॉज। और इफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डू नॉट हैव अ कंप्लीट कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब, देन वी कैन कॉल इट फ्रेज। तो होपफुली इट विल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए जी, अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। तो क्लॉज का कॉन्सेप्ट आप लोगों के पास आ चुका होगा। अब जी, देर आर टू टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, वन इज इंडिपेंडेंट एंड द सेकेंड इज डिपेंडेंट। लेट्स डिस्कस वन बाय वन। इंडिपेंडेंट और मेन क्लॉज, ये होती क्या है? विच गिव्स कंप्लीट सेंस बाय इट्सेल्फ, जो अपने आप को, जो अपने आप का कंप्लीट सेंस दे। मिसाल के तौर पे किस तरह जी? उसके पास सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन होगा और वो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग देगी, विच इज़ नॉट डिपेंडेंट टू द अदर क्लॉज। और इंडिपेंडेंट क्लॉज को मेन क्लॉज भी कहते हैं, ठीक है, ये बात आपने जहन में बिठानी है। ऐसा सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन जो अपने आप की कंप्लीट मीनिंग दे, जो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, उसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज और मेन क्लॉज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ लिखता हूँ आई ड्राइव, ठीक है जी, आई ड्राइव अ कार। तो जी यहाँ पे मुझे कंप्लीट सेंस मिल रहा है। सबसे पहले मैं ये देखूँगा कि इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब है। जी सब्जेक्ट है, बिल्कुल, ड्राइव वर्ब है, तो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन हो गया आई ड्राइव अ कार, मैं गाड़ी चलाता हूँ। तो जी ये बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट और मेन क्लॉज है, क्योंकि ये किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करती। अब आप दूसरा टॉपिक देखें, फिर आपको पहला टॉपिक और भी क्लियर हो जाएगा। जी व्हाट इज डिपेंडेंट क्लॉज और सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज? तो वी कैन आल्सो कॉल्ड द डिपेंडेंट क्लॉज एज अ सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज। सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता क्या है? विच इज़ ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द मेन क्लॉज। इट मीन्स the dependent clause do not give you the complete meaning without independent clause. मतलब ऐसा subject और verb का combination जो आपको complete sense ना दे। किस तरह जी? मिसाल के तौर पर अब मैं आपको बताता हूँ। When I was sleeping या when I was there, जब मैं वहाँ था, ठीक है, देखें I subject है और was आपके पास वर्ब है, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन आ गया, मगर जी स्टार्ट के अंदर एक कंजेक्शन वर्ड लग रहा है, जैसे जिससे हमारी मीनिंग बन रही है व्हेन आई वाज देयर, जब मैं वहाँ था। तो जी जब आप वहाँ थे तब क्या हुआ? अब यहाँ पे देखें, आपको यू शुड, यू हैव टू नीड इन, यू हैव टू नीड द इंफॉर्मेशन टू कम्प्लीट द सेंस। अब आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ रही है जिससे आप अपना सेंस कम्प्लीट कर सकें।
तो ऐसी क्लॉजेस को आप डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, और डिपेंडेंट क्लॉज के साथ साथ सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। किस तरह जी? अब एक और एग्जांपल देखें, आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ये देखें जी, आई अर्न वॉट एवर आई कैन, मैं खरीद सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ। ठीक है, आई अर्न, मैं खरीद सकता हूँ, वॉट एवर आई कैन, जो मैं खरीद सकता हूँ। तो ये देखें जी, आई अर्न, ये सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है जी, बिल्कुल है। तो ये हमारी कौन सी क्लॉज हुई? ये हमारी हुई इंडिपेंडेंट क्लॉज। कौन सी क्लॉज हुई? आई हमारे पास सब्जेक्ट है, अर्न है हमारे पास वर्ब। तो आई अर्न, यहाँ पे आपको कोई भी मीनिंग की ज़रूरत नहीं है कि आप अपना जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट कर सकें। तो आई अर्न, सिंपली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। तो ये क्या है जी? ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है या मेन क्लॉज है? अब आगे चलें, देखें क्या लिखा हुआ है। वॉट एवर आई कैन, तो वॉट एवर का आई एन, जो मैं चाहता हूँ आई कैन, मैं कर सकता हूँ। तो वॉट एवर भाई, आप क्या कर सकते हैं? अब यहाँ पे देखें, एक आपको वर्ड एक्स्ट्रा मिल रहा है। असल में ये क्या है? ये हैं कंजक्शंस। क्या हैं जी? कंजक्शंस। आगे चल के अभी इसका कॉन्सेप्ट और डीपली हम क्लियर करेंगे, मगर मैं आपको बता दूँ कि ऐसा सब्जेक्ट और वर्ब जो आपको कंप्लीट सेंस दे वो होगा आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज, और ऐसा सब्जेक्ट और वर्ब जो आपको कंप्लीट सेंस ना दे वो होगा डिपेंडेंट क्लॉज। किस तरह आप पहचानेंगे? अगर किसी सब्जेक्ट और वर्ब से पहले कोई कंजक्शन आता है, वेल, वाइल, डिस्पाइट, इंस्पाइट, ऑल तो, इवन तो, ये सारे वर्ड्स अगर पहले आते हैं तो ये जो आपका क्लॉज है वो डिपेंडेंट क्लॉज बन जाएगा। तो होपफुली ये आपको क्लियर हो चुका होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब हम आगे चलते हैं। तो जी, अब हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ते हैं। ये था हमारा बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसके ऊपर हमारी पूरी बिल्डिंग खड़ी हुई है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर की। सो अब हम वन बाय वन करके ये सारी टाइप्स पढ़ लेते हैं। तो जी, सबसे पहली जो टाइप है वो है सिंपल सेंटेंस। ठीक है जी, द फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर इज सिंपल सेंटेंस। व्हाट इज सिंपल सेंटेंस? इट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। वही जी, क्लॉज है, क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब तो लाजमी होगा। ठीक है, तो ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके अंदर आपके पास सब्जेक्ट और वर्ब हो, और इट हैज़ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, तो वो आपका सब्जेक्ट और वर्ब जो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, उसे आप इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। एग्जाम्पल देखें, आई राइट अ लेटर, तो आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, राइट है यहाँ पे वर्ब, तो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन हो गया। यहाँ पे पहले देखें कोई कंजक्शन भी यूज़ नहीं हो रहा, तो ये हमारी क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है जी, आई राइट अ लेटर, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज को आप सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। अगर आपके पास सिर्फ एक सिंपल सेंटेंस लिखा हुआ है तो वो सिंपल सेंटेंस आपके पास इंडिपेंडेंट क्लॉज भी है। चाहे आप इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलें, चाहे आप सिंपल सेंटेंस बोलें, बात एक ही है। ठीक है जी, एग्जांपल नंबर सेकंड देखते हैं। वी आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर, और यहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ है, वी आर लर्निंग इंग्लिश। ठीक है जी, तो यहाँ पे वी क्या है आपके पास? सब्जेक्ट, लर्निंग क्या है आपके पास? वर्ब है। सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन हो गया, कोई कंजक्शन नहीं है स्टार्ट के अंदर, तो ये हमारा क्या है? हमारे पास है सिंपल सेंटेंस, और वी कैन आल्सो कॉल्ड इट इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है जी, अब हम पढ़ते हैं सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस की, जो है कंपाउंड। कंपाउंड अक्सर केमिस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होता है। अगर आपके पास केमिस्ट्री आपने अच्छी तरह पढ़ी हुई और आपके पास कॉन्सेप्ट है, तो आपको बहुत आसानी से ये समझ आ जाएगा। और अगर केमिस्ट्री नहीं भी पढ़ी, इंटरेस्ट नहीं भी था, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ये आपको वैसे ही बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है जी, देखें अब ये क्या लिखता है, इधर क्या लिखा हुआ है। विच हैज़ टू और मोर, विच हैज़ टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज एंड जॉइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो सबसे पहले जी, आपके पास ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए, व्हाट इज कंजक्शन। ठीक है, व्हाट इज कंजक्शन? कंजक्शंस मेन एडिशन। ठीक है, एडिशन या जो क्या करता है, ज्वाइन करता है। ठीक है, कंजक्शन का मतलब क्या होता है? ज्वाइन करता है। कंजक्शन आइधर ज्वाइन टू वर्ड्स, टू फ्रेज, टू क्लॉज, टू सेंटेंस, टू वर्ब्स, टू नाउंस, टू प्रोनाउंस, तो कुछ भी एट्सेट्रा, जो कंजक्शन है आपके पास वो ज्वाइन करेगा। ठीक है, किसी दो वर्ड्स को कर सकता है, दो सेंटेंस को कर सकता है, दो फ्रेज को कर सकता है, तो किसी को भी उसने करना क्या है? ज्वाइन करना है। इसे आप कह सकते हैं कि जी ये ज्वाइंट ग्रामर की जो है क्या है? ज्वाइनिंग पार्ट है। ठीक है,
तो कंजक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब जी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं? कोऑर्डिनेशन 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 हमेशा दो इक्वल लोगों के दरमियान होती है, ठीक है। जैसे अक्सर कोई भी सेमिनार कोई भी कॉन्फ्रेंस होती है तो लिखा हुआ होता है कोऑर्डिनेशन विथ, ठीक है, किसी ना किसी चीज की कोऑर्डिनेशन होती है। तो यहाँ पे वही सेम कॉन्सेप्ट है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते क्या हैं? विच ज्वाइंस टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या है? विच ज्वाइंस टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है जी। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं? जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करें। अब जी ये वर्ड्स कौन से होते हैं? ये तो आपको क्लियर हो गया कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं, जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करें उसे हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। अब ये वर्ड्स कौन से हैं? देखिए जी ये सिंपल सा एक वर्ड है, ये आप याद कर लें, फैन बॉयज़। वैसे आपको याद करेंगे तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, कंजक्शंस और भी बहुत सारी टाइप्स की होती हैं, मगर इफ़ यू वांट टू रिमेंबर द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन देन यू शुड मेमोराइज दिस पर्टिकुलर वर्ब विच वी कॉल्ड इट फैन बॉयज़। फैन बॉयज़ याद कर लें, फैन बॉयज़ में से हर एक वर्ड के साथ एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। फॉर है, एंड है, नॉर है, बी फॉर बट है, उसके बाद जी आपके पास ओ फॉर और है, वाई फॉर येट है, एंड एस फॉर सो है। तो ये आपका सारा मिलके क्या बन रहा है? फैन बॉयज़, ठीक है। ये एक वर्ड याद कर लें और ये आपको एकदम याद नहीं होगा, इस वर्ड को एक दो दफ़ा खुद आप रफ कॉपी के ऊपर लिखें और फिर इस तरह खुद सोचें कि एफ फॉर क्या है, ए फॉर क्या है, एन फॉर क्या है, बी फॉर क्या है, ओ फॉर क्या है। तो इस तरह दो तीन दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये याद हो जाएगा। तो आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के वर्ड्स का भी पता चल गया, आपको ये भी पता चल गया कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन करता क्या है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या करता है? ज्वाइंस टू इंडिपेंडेंट क्लासेस, ठीक है, उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस जी वो सेंटेंस होता है जिसके अंदर टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हों, ठीक है, एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हो। मिसाल के तौर पे जी अभी आप उस एग्जाम्पल्स को छोड़े, ये वाली मेरी एग्जाम्पल्स देखे जो मैं लिख रहा हूँ, आई राइट आई स्पीक, मैं लिख भी रहा हूँ और मैं बोल भी रहा हूँ, ठीक है जी। तो देखें ये एक क्लॉज हो गई और ये एक क्लॉज हो गई, ठीक है। अब मैंने इनको कंपाउंड सेंटेंस बनाना है तो मैं यहाँ पे एंड लिख दूंगा, ठीक है, आई राइट एंड आई स्पीक। तो यहाँ पे ये क्या है, एंड ने दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन कर दिया। एंड ने क्या किया जी, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन कर दिया। अगर मैं सेपरेटली करके देखूँ तो ये भी मेरे पास सिंपल सेंटेंस है और ये भी मेरे पास सिंपल सेंटेंस है, मतलब एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज। टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आर ज्वाइंड बाय कौन सा कंजक्शन जी? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो ऐसे हम सेंटेंस को कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। क्लियर हो गई जी बात? ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। अब हम एग्जांपल्स को देखते हैं जो कि हमारे पास स्लाइड के ऊपर हैं। अली ट्राई टू लिफ्ट द सूटकेस, अली ट्राई टू लिफ्ट द सूटकेस। तो अब यहाँ पे जी ये देखें ये क्या है, अली ट्राई टू लिफ्ट द सूटकेस, सब्जेक्ट है अली, ट्राइड है हमारे पास वर्ब। तो ये हमारे पास एक क्लॉज हो गई, कौन सी? इंडिपेंडेंट क्लॉज। बट इट वॉज़ टू हैवी, मगर ये क्या है, बहुत हैवी है। वह अली कोशिश कर रहा है सूटकेस को उठाने की, मगर वो क्या है, बहुत हैवी है। अब यहाँ पे बट आप देखें, बट क्या है जी, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो अब बट को अगर आप हटा दें और इसको पढ़ के देखें, इट वॉज़ टू हैवी, तो ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो देखें अली ट्राई टू लिफ्ट द सूटकेस, एक ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और उसके बाद इट वॉज़ टू हैवी, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो ये दोनों ज्वाइन कौन सा कंजक्शन कर रहा है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में भी कौन सा वर्ड? बट। अब एक रूल है वो आप अपने जहन में बिठा लें कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से पहले हमेशा कॉमा यूज़ होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से पहले हमेशा कॉमा यूज़ होता है, ठीक है जी। उसके बाद हम आगे चलते हैं, शी वॉन्टेड टू गो ऑन वेकेशन, शी वॉन्टेड टू गो ऑन वेकेशन, वो वेकेशन के ऊपर जाना चाहती थी। सो तो उसने क्या किया, शी सेव्ड अप हर मनी, तो उसने जी पैसे बचाना शुरू कर दिए थे।
वो वेकेशन के ऊपर जाना चाहती थी, वो मतलब अपनी छुट्टियों के ऊपर जाना चाहती थी कहीं घूमने या कहीं बाहर, तो उसने क्या किया, उसने पैसे जमा करना शुरू कर दिए। तो अब यहाँ पे इसको भी देखते हैं, इसका भी एनालिसिस कर लेते हैं। देखें शी क्या है, सब्जेक्ट है, वांटेड क्या है, वर्ब है, ठीक है। तो सब्जेक्ट और वर्ब हो गया, मीन्स हमारे पास क्लॉज बन गई। और अब आगे चलते हैं, सो को हटा दें फिलहाल। शी हमारे पास सब्जेक्ट है, सेव्ड हमारे पास वर्ब है, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, सही है जी। तो ये भी हमारे पास एक क्लॉज हो गई, ये भी हमारे पास एक क्लॉज हो गई। अब सो देखें, सो क्या है, सो हमारे पास देखें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में आ रहा है, तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जब भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से ज्वाइन की जाएंगी तो वो आपके पास हमेशा कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगी। तो ये भी हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस है, किसका जी, सो का। अब हम देखते हैं जी थर्ड नंबर, टिम लव्स टू रीड एंड ही आल्सो लव्स टू हाइक। जो टिम साहब हैं उनको पढ़ना बहुत पसंद है और उनको हाइकिंग भी वो बहुत पसंद करते हैं, वो उनको शौक है हाइकिंग का, ठीक है, हाइक करने का, पहाड़ों के ऊपर घूमने का, चलने का, तो ये हाइक करने का उनको बहुत शौक है। अब यहाँ पे देखें जी, टिम लव्स, तो टिम हमारे पास सब्जेक्ट है, लव्स हमारे पास वर्ब है, तो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन हो गया। उसके बाद जी एंड है, एंड हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ही आल्सो लव्स टू हाइक, और उनको हाइक का बहुत शौक है। ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, ज्वाइन बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन व्हिच वी कॉल्ड इट कंपाउंड सेंटेंस। तो होपफुली जी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। अब जी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, सेल फोन शुड नॉट हाइपोथीसिस बी परमिटेड एंड दे विल इन द क्लास फॉर दे डिस्ट्रैक्ट स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसके अंदर क्या है, देखें ऊपर क्या लिखा था, जो हमारे पास डेफिनेशन थी कंपाउंड सेंटेंस की, विच हैज़ टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, मतलब दो और दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हों। तो यहाँ पे अब आप लोगों ने, मैं एक सेकंड के लिए रुकता हूँ, या आप लोग इस वीडियो को पॉज करने के बाद खुद आइडेंटिफाई करें कि इस सेंटेंस के अंदर कितनी क्लॉजेज हैं, और फिर उसके बाद प्ले करके चेक करें कि आपका जो जवाब है वो सही है या गलत है। चलिए जी, तो मैं आपको बताता हूँ, देखें जी इसके अंदर टोटल थ्री क्लॉजेस हैं, ठीक है। तो एक ऐसा सेंटेंस भी हो सकता है जिसके अंदर थ्री क्लॉजेस हों, एक ऐसा कंपाउंड सेंटेंस भी हो सकता है जिसके अंदर फोर क्लॉजेस हों, इट डिपेंड्स और इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर है। अब देखिए, सेल फोन्स शुड नॉट हाइपोथीसिस बी परमिटेड, अब यहाँ पे सेल फोन सब्जेक्ट है और शुड नॉट हाइपोथीसिस ये क्या है, आपके पास वर्ब है। इसी तरह ही दे क्या है, आपके पास सब्जेक्ट है, और विल क्या है, आपके पास वर्ब है। इसी तरह ही दे आपके पास क्या है, सब्जेक्ट है, और डिस्ट्रैक्ट क्या है, आपके पास वर्ब है। अब देखें जी यहाँ पे कंजक्शन कितने यूज हो रहे हैं, एक कंजक्शन, दो कंजक्शन, तो एक ये क्लॉज हो गई, दूसरी ये क्लॉज हो गई, और तीसरी ये क्लॉज हो गई, ठीक है जी। तो एंड और फॉर, तो जो फॉर है वो भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है और एंड भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, तो ये मिलके क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं कंपाउंड सेंटेंस। तो यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट मिला होगा कि कंपाउंड सेंटेंस में कंटेन टू और मोर देन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, ठीक है जी। लास्ट सेंटेंस देखते हैं हम, आई हैव नॉट सीन दैट मूवी येट, मैंने जी अभी तक ये जो मूवी है ना वो नहीं देखी, सो डोंट टेल मी हाउ इट एंड्स, तो जी मुझे मत बताओ जी एंड कैसे हो रहा है, सारा सस्पेंस ख़त्म हो जाएगा, मेरे जो क्यूरोसिटी है ना जो वाइल वॉचिंग वो ख़त्म हो जाएगी। तो अब यहाँ पे देखते हैं ये सेंटेंस कौन सा है, तो देखिए जी येट यूज़ हो रहा है। अब अगर आपको फैन बॉयज़ याद है ना, तो आप एकदम से कंजक्शंस के ऊपर चले जाएँ, कंजक्शंस के ऊपर जाएंगे तो आपको खुद ही एकदम पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस कौन सा है। तो कंजक्शंस लाजमी तौर पे याद करें, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कंजक्शंस लाजमी तौर पे आपने याद करने हैं। अब देखें जी यहाँ पे क्या है, सो आगे येट आ गया, ठीक है, येट आ गया, ठीक है, आई हैव नॉट सीन दैट मूवी येट, मैंने जो ये मूवी है अभी तक नहीं देखी, सो डोंट टेल मी हाउ इट एंड, तो मुझे ये मत बताओ कि वो कैसे ख़त्म हुई है। तो अब यहाँ पे एक ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब कुछ स्टूडेंट्स के जहन में ये बात चल रही होगी कि
कि सर जी यहाँ पे येट भी है और यहाँ पे सो भी है, तो अब ये तो दो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एक साथ आ गए, अब हम क्या करें? तो जी मैंने आपको क्या बताया था ऊपर के कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से पहले कॉमा आता है, क्या बताया था? आई रिपीट के कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से पहले कॉमा आता है, तो कॉमा किससे पहले है? सो से पहले, तो सो यहाँ पे कंजक्शन है और येट यहाँ पे एडवर्ब है, ठीक है जी? क्योंकि ग्रामर के अंदर बहुत सारे एक ही वर्ड कहीं पे कंजक्शन है, कहीं पे वर्ब है, कहीं पे एडजेक्टिव है, तो कहीं पे प्रीपोजिशन है, तो इस तरह जी यहाँ पे येट आपका कंजक्शन नहीं है बल्कि एडवर्ब है, ठीक है जी? तो होपफुली कि आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए जी अब हम पढ़ते हैं थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है जी? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है? पहले हमने सिंपल पढ़ा, फिर हमने कंपाउंड पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को पढ़ने से पहले मैं आपको सीधा कंजक्शन की तरफ ले जाऊंगा। सबसे पहले आपको ये वाला कंजक्शन पढ़ लें तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कंजक्शन क्या होता है? मैंने आपको पहले ही बताया है, विच मीन्स ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग क्या करता है? तो पार्ट की करता है, तो सेंटेंस की करता है, तो फ्रेज की करता है, तो नाउन की करता है, तो एडजेक्टिव की करता है, मतलब कंजक्शन का काम है जोड़ना, ठीक है? इट इज़ द एल्फी ऑफ ग्रामर, एल्फी ऑफ ग्रामर। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या है, एक दफ़ा डेफिनेशन देख लें। इट हैज़ डिपेंडेंट क्लॉज एंड एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज ज्वाइन बाय सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, और ज्वाइन किसके साथ हो रही होती है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन करता क्या है? इट इज यूज टू ज्वाइन डिपेंडेंट क्लॉज टू मेन क्लॉज। ये इसका मेन फंक्शन है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ये, और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का फंक्शन क्या है? विच ज्वाइंस टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। मतलब जो आपके पास कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है वो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करता है, और यहाँ पे जी जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है वो दो डिपेंडेंट, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करता है, ठीक है जी? ये बात आ गई समझ में? अब इसके वर्ड्स बहुत सारे हैं, जैसे इफ़ है, ऑल दो है, बिकॉज है, वाइल है, वैन है, वॉट एवर है, इस तरह एटसेट्रा बहुत सारे वर्ड्स हैं, वो आप याद नहीं कर सकते, मगर ये है कि आपके जहन में हो। आपको जब भी सेंटेंस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर के हवाले से सवाल आएंगे तो आपको एक कंजक्शन याद होना चाहिए। तो जो फैन बॉयज़ वाले कंजक्शन हैं, जो हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, वो अगर आपको याद हैं तो आपको ये पहचानने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी, क्योंकि ये नंबर्स में बहुत ज़्यादा हैं। तो जी अब हम चलते हैं अपनी एग्जांपल्स की तरफ, ताकि हम देखें कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता कैसे है, ठीक है जी? दे आर स्लीपिंग बिकॉज दे आर टायर्ड, दे आर स्लीपिंग बिकॉज दे आर टायर्ड। वो क्या कर रहे हैं जी? सो रहे हैं क्योंकि वो थक चुके हैं। दे आर स्लीपिंग, ठीक है, यहाँ तक हम रुक गए। दे आर स्लीपिंग, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, हमारे पास वर्ब है, हमें क्या मिल रहा है जी? हमें कंप्लीट सेंस मिल रहा है, तो इसे मैं क्या कहूँगा? इसे मैं इंडिपेंडेंट क्लॉज कहूँगा। इसे मैं क्या कहूँगा? इंडिपेंडेंट क्लॉज। उसके बाद आगे चलते हैं, बिकॉज दे आर टायर्ड, क्योंकि वो थके हुए हैं। अब यहाँ पे देखें जी, बिकॉज आ गया, आपके पास कौन सा कंजक्शन है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जिस भी सब्जेक्ट और वर्ब के पहले आ जाएगा तो वो क्लॉज हो जाएगी डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है जी? आई रिपीट कि जब भी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन सब्जेक्ट और वर्ब से या किसी भी क्लॉज से पहले आ जाएंगे तो वो उस क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज बना देंगे। तो यहाँ पे दे आर स्लीपिंग, ये आपके पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और बिकॉज दे आर टायर्ड, ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज है, तो हम इसे क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एग्जाम्पल नंबर टू, व्हेन आई गो टू द मूवीज आई यूजुअली बाय पॉपकॉर्न, ठीक है? जब भी मैं मूवी देखने जाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ जी? मैं पॉपकॉर्न ख़रीद लेता हूँ। तो अब यहाँ पे देखें, व्हेन आई गो टू द मूवीज़, व्हेन आई गो टू द मूवीज़, तो अब यहाँ पे व्हेन आपका क्या है? व्हेन हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, मैंने आपको पहले बताया, सब्जेक्ट और वर्ब से पहले अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आ जाए तो वो हमारा क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज बन जाता है। व्हेन आई गो टू द मूवीज़,
तो ये क्या हो गई जी, सब्जेक्ट और वर्ब है, हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग इंजेक्शन है, तो ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज हो गई। आई यूजुअली बाय द पॉपकॉर्न, अगर मैं इसको सेपरेट करके भी पढ़ लूँ आई यूजुअली बाय द पॉपकॉर्न, तो ये एक सिंपल सेंटेंस है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लॉज ज्वाइन हो रही है किसके साथ, डिपेंडेंट क्लॉज के साथ, तो ये हमारे पास बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब एक बात आप लोगों के जहन में आ रही होगी, वो मुझे भी पता चल रहा है, उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। देखें जी, इस ऊपर वाली एग्जांपल में क्या हुआ जी, पहले आई इंडिपेंडेंट क्लॉज और उसके बाद आई डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। नीचे वाली एग्जाम्पल में सिनेरियो उल्टा हो गया, ठीक है। वैन, वैन क्या है जी आपके पास, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, तो ये कौन सी क्लॉज हो गई हमारे पास, ये हमारे पास क्लॉज हो गई डिपेंडेंट क्लॉज और उसके बाद आई इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो कंपाउंड सेंटेंस हो या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो, योर कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैन स्टार्ट आइदर, जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा तो आपका सेंटेंस चाहे आप इंडिपेंडेंट क्लॉज से ज्वाइन कर लें या आप डिपेंडेंट क्लॉज से स्टार्ट कर लें, ठीक है। या आप आपका सेंटेंस डिपेंडेंट क्लॉज से स्टार्ट कर लें या इंडिपेंडेंट क्लॉज से स्टार्ट कर लें, बोथ आर करेक्ट। और कंपाउंड सेंटेंस में तो आपका हमेशा दोनों इक्वल होता है, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, कोई भी आप सेंटेंस पहले ले आएँ, ठीक है जी। मगर यहाँ पे एक पॉइंट जहन में रखना है कि इफ़ योर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज स्टार्ट विद अ डिपेंडेंट क्लॉज, देन एट द एंड ऑफ द डिपेंडेंट क्लॉज यू हैव टू पुट अ कॉमा, ठीक है। ये वाला जो कॉमा है ना मूवीज़ के बाद, अगर आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है किसके साथ जी, आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है डिपेंडेंट क्लॉज के साथ, तो आपने फिर कॉमा देना है। अगर आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ, तो यू हैव नो नीड टू पुट अ कॉमा आफ्टर द इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्लियर हो गई जी बात। चले जी आगे एग्जांपल को देखते हैं। शी वेंट टू क्लास इवन थो शी वॉज सिक, वो क्लास में गई हालांकि वो बहुत वो शदीद उसे बुखार था। तो अब इवन थो आपके पास क्या है, देखें आपका जो सेंटेंस है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, इंडिपेंडेंट क्लॉज से, इंडिपेंडेंट क्लॉज फॉलोड बाय द डिपेंडेंट क्लॉज। तो यहाँ पे इवन थो शी वॉज सिक, तो यहाँ पे ये क्या है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ही शी और वॉज आपके पास सब्जेक्ट वर्ब हो गया, शी और वेंट ये भी सब्जेक्ट और वर्ब हो गया, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये डिपेंडेंट क्लॉज, क्या होगा जी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं। एज जॉन वॉज अराइविंग टू वर्क ही रियलाइज ही फॉरगॉट हिज लंच। तो अब यहाँ पे जी क्या है, देखें एज जॉन वॉज अराइविंग टू वर्क, तो अब यहाँ पे ये क्या है, एज हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्टार्ट होगा किसके साथ, डिपेंडेंट क्लॉज के साथ, तो आप उधर कॉमा देंगे, ठीक है। देखें यहाँ से डिपेंडेंट क्लॉज खत्म हो रही है, कॉमा है, ही रियलाइज्ड ही फॉरगॉट हिज लंच, तो ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गई, ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गई, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। चलें जी अब हम पढ़ते हैं द मोस्ट इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ द सेंटेंसेस, जो है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है जी। अब इसके अंदर ये मिनिमम सिनेरियोज लिखे हुए, एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेस, क्या है जी, देखें अगर आपके पास दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं और एक डिपेंडेंट क्लॉज है, तो वो बन गया आपके पास कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। इसके बिल्कुल बरक्स अगर आपके पास दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, तो वो बन गया आपके पास क्या जी, कंपाउंड सेंटेंस। और अगर आपके पास एक कंपाउंड और एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज है, तो फिर आपके पास क्या बन गया जी, ये बन गया आपके पास इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये बात क्लियर हुई। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ब्रॉड पिक्चर के अंदर यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होंगी और एक डिपेंडेंट क्लॉज होगी, ठीक है जी। तो अब हम इसको देखते हैं। ही वेंट टू द कॉलेज एंड आई वेंट टू द मार्केट वेयर आई बॉट द बुक। ओहो, यहाँ पे तो देखें कुछ ज़्यादा ही कंजक्शंस आ गए, तो यही तो इंटरेस्टिंग चीज़ है। ही वेंट टू द कॉलेज एंड आई वेंट टू द मार्केट, मैं फ़िलहाल इसको थोड़ा ख़त्म कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आना शुरू हो जाए। ही वेंट टू द कॉलेज, ठीक है, वो कहाँ गया जी, कॉलेज गया। एंड आई वेंट टू द मार्केट, और मैं कहाँ गया जी, मैं मार्केट गया। तो एंड कौन सा कंजक्शन है,
जल्दी से बता दें जल्दी से, शाबाश, जहन में कुछ आ रहा है जी? शाबाश, जो एंड है वो हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन किसको ज्वाइन करता है? टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को। तो ये कौन सा सेंटेंस बन गया? ये हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस बन गया, ठीक है, याद रखिएगा। अब क्या करते हैं जी, अब मैं ज़रा इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। आई वेंट टू द मार्केट वेयर आई बॉट द बुक। जब मैं मार्केट गया वहाँ पे मैंने क्या किया? मैंने जी एक किताब ख़रीदी। तो वेयर आई बॉट अ बुक सब्जेक्ट और वर्ब है, और सब्जेक्ट और वर्ब से पहले अगर हमारे पास कंजक्शन आता है तो कौन सा जी? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, फैन बॉयज में से नहीं है, ठीक है जी। जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा तो हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस बनेगा या इंडिपेंडेंट क्लॉज बनेगी। तो ये हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जिस भी सब्जेक्ट और वर्ब से पहले आता है वो क्या बना देता है? डिपेंडेंट क्लॉज बना देता है। तो देखें, आप इसको अगर आप गौर से देखें, आई वेंट टू द मार्केट वेयर आई बॉट द बुक, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया? ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब इसको एक साथ पढ़े, ही वेंट टू द कॉलेज एंड आई वेंट टू द मार्केट वेयर आई बॉट द बुक। तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक डिपेंडेंट क्लॉज, तो ये हमारे पास क्या बन गया? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। I like accounting, but my brother likes biology because he wants to be a doctor. ठीक है, I like accounting, but my brother likes biology. ठीक है, इसको ख़त्म करते हैं। और यहाँ पे देखें जी, बट यूज़ हो रहा है। आई लाइक अकाउंटिंग बट माई ब्रॉदर लाइक्स बायोलॉजी। तो यहाँ पे ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दूसरी ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब जी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। बार बार मैं सब्जेक्ट वर्ब नहीं बताऊँगा क्योंकि बहुत दफ़ा रिपीट किया है, तो आपको इतना समझ आ जाना चाहिए। और हमने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस भी पढ़े हुए हैं, तो आपको कोई कॉन्सेप्ट अब जो है ना कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन हो रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और पिछले वीडियोस दोबारा देख सकते हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपको ये वाला लेक्चर समझने में बिल्कुल आसानी हो। तो जी यहाँ पे ये कौन सा सेंटेंस है? यहाँ पे ये है कंपाउंड सेंटेंस। और आखिर में देखें जी, यहाँ पे ये कौन सी क्लॉज है? बिकॉज ही वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर। बिकॉज, बिकॉज कौन सा कंजक्शन है जी? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो ये हो गई हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज। तो वन डिपेंडेंट, टू इंडिपेंडेंट इज इक्वल्ड कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड नहीं, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है जी। लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ऑल्सो शी फेल्ट गिल्टी फॉर मिसिंग हर फ्रेंड्स बर्थडे, शी टुक हर आउट टू डिनर द नेक्स्ट डे एंड दे हैड अ ग्रेट टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ऑल दो शी फेल्ट गिल्टी फॉर मिसिंग हर फ्रेंड्स बर्थडे, ये कौन सा आप मुझे बताएं क्लॉज है, ठीक है, आसानी से जी। बिल्कुल, ऑल दो आ रहा है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है। शी टुक हर आउट टू डिनर द नेक्स्ट डे एंड दे हैड अ ग्रेट टाइम। तो यहाँ तक ये क्या है जी? ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है, ये दूसरी डिपेंडेंट क्लॉज है। तो एक डिपेंडेंट, दो इंडिपेंडेंट इज इक्वल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो होपफुली जी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मैं एक दफ़ा जल्दी से सम अप कर दूं ताकि आप लोगों का और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखें जी, सिंपल सेंटेंस क्या होता है? जिसके अंदर सिंपली क्लॉज हो, जिसके अंदर क्या हो जी? सिंपली क्लॉज हो, सब्जेक्ट और वर्ब हो, वो आपके पास है सिंपल सेंटेंस। अब आ जाते हैं कंपाउंड सेंटेंस। सब कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट और वर्ब दो होते हैं और बीच में क्या आता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जो कि हैं फैन बॉयज। उसके बाद आ जाएं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है? एक सब्जेक्ट और वर्ब और उसके साथ फिर सब्जेक्ट और वर्ब, मगर एक होती है डिपेंडेंट क्लॉज और दूसरी होती है इंडिपेंडेंट क्लॉज। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है? उसमें तीन सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, एक डिपेंडेंट क्लॉजेस, तो वो हमारे पास बन जाता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। होमवर्क मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर, सारे बच्चे वो होमवर्क लाजमी तौर पर करके और ग्रुप के अंदर ही सेंड करें ताकि चेक करने में आसानी हो। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ताला कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।